तो विवेकानंद जी के बारे में एक सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताता हूँ कि वो बहुत अच्छे रीडर थे. ही वॉज वेरी गुड रीडर. और पढ़ने में उनको बहुत शौक था, पढ़ने में उनको बड़ी दिलचस्पी थी. तो गीता पाठ करते थे, गीता को पढ़ते थे. मुझे उनके गीता पढ़ने से याद आ गया, हमारे टीचर थे एक मिस्टर एन के आहूजा, अकाउंट्स पढ़ाते थे हमको कॉलेज के अंदर. खैर हम तो पढ़ते नहीं थे लेकिन वो पढ़ाते थे. तो मैं शुरू से, मुझे बचपन से शौक था कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लेने का. तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा. तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है. तो उसने बोला मैं भी पढ़ता हूँ. तो मैंने बोला अरे सर बड़ा अच्छा लगा आपसे पता चल के कि आप भी गीता पढ़ते हो. तो उसने मुझसे पूछा कि तुझे पता है कि मैं अपनी गीता रखता कहाँ हूँ. तो मैंने कहा सर आप बड़े मोहब्बत के आदमी हैं, प्यार से उसको अपने मंदिर में उसको अच्छे से कपड़े में रैप करके रखते होंगे, आराम से पढ़ते होंगे. उन्होंने बोला नहीं 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 मैं मंदिर में नहीं रखता गीता. मैंने बोला फिर अपने बेडरूम में रखते होंगे, आराम से रात में पढ़ते होंगे. उन्होंने बोला मैं बेडरूम में भी नहीं रखता. तो मैंने बोला ड्राइंग रूम में रखते होंगे. बोला मैं ड्राइंग रूम में भी नहीं रखता. मैंने कहा आहूजा साहब कहाँ रखते हो. तो बोले मैं रखता हूँ उसको अपने बाथरूम में. तो मैंने बोला बाथरूम में गीता. बोला आई लव गीता, आई रिस्पेक्ट गीता. मैं पढ़ता हूँ उसको बाथरूम में, आराम से बैठता हूँ 15 मिनट, नो डिस्टर्बेंस. आम के आम गुठलियों के दाम, आराम से पढ़ता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. मुझे बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि घर में रखने से बाथरूम में रखना अच्छा है अगर आप पढ़ो तो. मतलब घर में रखिए और आप पढ़ नहीं रहे, उससे बेटर है कि आप बाथरूम में रखो और उसको पढ़ो. विवेकानंद जी गीता पढ़ते थे तो हुआ क्या, एक अंग्रेज उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसने, अंग्रेज ने विवेकानंद को देख के बहुत जोर से हंसे वो ऐसे, क्योंकि उनके वार्डरोब के बिल्कुल साथ में, बेड के साथ में गीता रखी हुई थी. अब वो गीता तो रखी थी लेकिन गीता के ऊपर कम से कम 15-20 किताबें और रखी थी, अलग अलग राइटर्स के, कुछ अंग्रेज राइटर्स की किताबें भी वहां पे रखी हुई थी. उन्होंने बोला विवेकानंद जी आपने मान लिया कि गीता नीचे है और हमारे सारे जो राइटर्स हैं वो ऊपर हैं, इसलिए आपने गीता नीचे रखी है, आपने मान लिया, फाइनली यू एक्सेप्टेड. क्योंकि किताब नीचे पड़ी थी और बाकी सारी किताबें ऊपर रखी थी. देखो सबसे ऊपर कौन है, हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर सबसे. विवेकानंद जी हाजिर जवाब थे, उन्होंने नीचे वाली गीता पकड़ी और झट से खींची तो सारी किताबें गिर गई. तो विवेकानंद जी ने बोला बेस तो यही था बेटा,